रात एकाएक टूटी मेरी नींद, तो क्या देखता हूँ, गगन से जैसे उतरता एक तारा कैक्टस की झाड़ियों में आ गिरा है। पास जाकर देखता हूँ, एक अद्भुत फूल कांटों में खिला है। हरिवंश राय बच्चन जी की कैक्टस पर ये कविता है। आगे और पंक्तियाँ भी हैं, जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी वैसे वैसे पढ़ेंगे। उन्होंने नागकनी, कैक्टस को नागकनी कहते हैं हिंदी में, आज ही पता चला। उन्होंने नागकनी पर कविता लिखी, हम उस कविता पर कैक्टस सिलेंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, देखते हैं ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होता है। प्रोसेस एंजॉय करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर कभी कभी फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा खुशी देता है। आई एम ट्राइंग एम्ब्रॉयडरी फॉर द फर्स्ट टाइम, देखने में मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा। अभी सुई धागा हाथ में है तो समझ आ रहा है कि ईजी है, बहुत ईजी है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। पहला स्टिच जो अभी मैं कर रही हूँ उसे कहते हैं रनिंग स्टिच, बिल्कुल सिलाई के जैसे। धागा नीचे से ऊपर लाना है, फिर ऊपर से नीचे ले जाना है और बस बीच में एक गैप छोड़ देना है। मैं एंड में एक साथ ये सारे स्टिचेस एक बार बना दूंगी, साथ ही में जो सामान यूज़ हुआ है उसके बारे में भी बता दूंगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और ऐसे ही पेंसिल मार्क को ट्रेस करते करते हमारा पहला कैक्टस तैयार हो गया। अब दूसरा कैक्टस, ये पहले से भी ज़्यादा आसान है। बस अंतर इतना है कि बीच में गैप नहीं छोड़ना, पूरा फिल करना है। ईजी है पर टाइम बहुत लगेगा, तो जब तक ये पूरा होता है तब तक आगे की कविता पढ़ते हैं। कवि ने देखा कि आधी रात फूल खिला है कैक्टस का। ये देखकर वो कैक्टस से क्या बोला, बोला, हाय रे कैक्टस, दिवस में तुम खिले होते अगर तुम दिन में खिले होते, दिवस में तुम खिले होते रश्मियाँ कितनी न्योछावर हो गई होती तुम्हारी पंखड़ियों पर। रश्मियाँ मतलब रोशनी। पवन अपनी गोद में तुमको झुलाकर धन्य होता, गंध भीनी बांटता फिरता ध्रुमों में, ध्रुमों मतलब सड़क, भृंग आते घेरते तुमको अनवरत फेरते माला सुयश की गुन तुम्हारा गुनगुनाते। तो कवि ने कैक्टस को समझाया कि देखो दिन में खिलो, रात को खिलकर कोई फायदा नहीं है। और ये समझाते समझाते हमारा दूसरा कैक्टस भी तैयार हो गया। और अब हम आते हैं अपने तीसरे कैक्टस पर, बिल्कुल वैसे ही करना है। सेकंड वाले में धागा वर्टिकली पिरोया था, अब हॉरिजॉन्टली सिलेंगे जब तक कि पूरा भर ना जाए तब तक। बीच में जो गैप है वो स्टेम स्टिच से फिल कर देंगे। स्टेम्स बनाने के लिए यूजली यही स्टिच का यूज़ होता है, दैट्स वाई द नेम, विल एक्सप्लेन द मेथड एट द एंड। अब कांटे, कांटे ज़रूरी हैं, कैक्टस की ब्यूटी उसके कांटों में ही है। और फूल, फूल पर ही ये कविता है। तो फूल और कांटे बनाते बनाते हम आगे की कविता आखिरी स्टेंजा पढ़ेंगे। तो सुबह खिलो ये राय सुनकर कैक्टस बोला, क्या बोला, धैर्य से सुन मेरी बात, कैक्टस ने कहा धीमे से, किसी विवशता से खिलता हूँ खुलने की साथ तो नहीं है, किसी विवशता से खिलता हूँ खुलने की साथ तो नहीं है, जग में अनजाना रह जाना कोई अपराध तो नहीं है। तो ये थी इस कैक्टस की कहानी। कैक्टस को अनजान रहना पसंद है, पर मुझे नहीं, इसीलिए हर बारी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस बारी भी वही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट मंडे।